मेरे हरियाणा के भाइयों बहनों, जैसा हम लगातार कोरोना महामारी से निपटने के लिए मिल रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज की चर्चा सर्वप्रथम आज जैसा हमको मालूम है कि भगवान परशुराम जी की जयंती है। भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। मित्रों, ऐसे संकट जब भी आते हैं, प्रशासन के तौर पर बहुत से ऐसे काम जो हमारी हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं वो सब करते हैं, और अभी भी लगातार मार्च और अप्रैल के महीने में जो सरकार की जिम्मेवारी है उस नाते से हम कर रहे हैं। हर विभाग जनता की सेवा के लिए लगा है और उसमें हम लोग अपने अपने विभाग के अनुसार जो जो चीजें करनी है वो सब कर रहे हैं। लगभग 12 से 15 विभाग ऐसे हैं जो अलग अलग सेवाओं में लगे हैं। सभी विभागों ने अपने अपने तौर पर अपने कार्यक्रम बनाए हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि सब विभागों की सब जानकारियां जनता को होती नहीं है, पूरा लाभ वो लोग उठा नहीं पाते हैं। कोरोना से पूर्व भी समाज की भलाई की कितनी ही स्कीमें कई डिपार्टमेंट हमारे चला रहे थे, उस समय हमने टेक्निकल सब विषयों को ध्यान में रखते हुए अपनी टेक्निक आईटी इसको आगे बढ़ाते हुए सेवाएं ऑनलाइन की, ई दिशा केंद्र खोले, सरल केंद्र बनाए गए, अंत्योदय केंद्र के माध्यम से भी जनता को सेवाएं दी गई, गांव-गांव में कॉमन सर्विस सेंटर CSCs ये बनाए गए, बड़ी संख्या में लोगों को लाभ दिया गया। उसी अनुसार अभी कोरोना के समय में भी हर व्यक्ति की जो भी कोई दुखी है, पीड़ित है, जिसको कोई कष्ट है, उनके लिए कई कार्यक्रम हमने चलाए, अलग अलग ऑनलाइन सिस्टम से, अलग अलग ऐप के माध्यम से ये सब चीज़ें आप तक पहुंचाई गई। लेकिन हमें ध्यान में आ रहा है कि बहुत लोगों को इन सब सुविधाओं का समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमने हेल्पलाइन भी बनाई है, लगातार हर दिन हमारे पास 5000 से 8000 तक टेलीफोन कॉल्स आती हैं, और ये तो केवल कोरोना से संबंध के में आती हैं। अगर हम अन्य विभागों को भी साथ जोड़ लें, अर्थात फसल, किसान, मंडी, प्रोक्योरमेंट का विषय, या ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर से लोग जो लोग टेली मेडिसिन के माध्यम से दवा लेना चाहते हैं, ये सब विषय यदि इनको जोड़ते हैं तो और डबल संख्या ये हो जाती है। अब इन सब चीज़ों को एक साथ एक जगह पर लाकर और एक सुविधा ऐसी दी जाए ताकि किसी को भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हम एक ही क्लिक बटन से अपने मोबाइल के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने एक ऐप बनाया है, जन सहायक इस नाते से इस ऐप का नाम होगा। कहीं इसका प्रचार हेल्प मी इस नाते से भी हुआ है, लेकिन जन सहायक के रूप में इस ऐप को हम कल से डाउनलोड कर सकेंगे और उसमें से जो आवश्यकता हमारी है, जो सहायता हमको चाहिए, वो हम प्राप्त कर सकेंगे। अभी हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, वो आपके सामने इस सारे विषय को रखेंगे। हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं श्री विजेंद्र सिंह जी, और अतिरिक्त हमारे जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री उमाशंकर जी, इस विषय के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, इसकी उपयोगिता के बारे में आपको बताएंगे। एक बार मैं इनको अपनी ओर से हैंडओवर करता हूं कि इस विषय को जरूर जनता के सामने रखें। श्री विजेंद्र सिंह जी, ये जन सहायक नाम की मोबाइल ऐप है जो कल से एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अंदर जैसे बाकी मोबाइल ऐप्स में आपको पहले रजिस्टर करना होता है, उसी तरह से अपना नाम, मोबाइल नंबर डाल के एक OTP आएगा, उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश, ये ऐप
दोनों भाषाओं में है, आप उसमें से जो भी चूज करेंगे उसके हिसाब से मोबाइल ऐप आपके सम्मुख होगी। इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं, जो कि जैसे कि किसी को राशन की ज़रूरत है, किसी को डॉक्टर से बात करना है, कुछ बच्चों को पढ़ाई के लिए मटेरियल्स चाहिए, किसी को मूवमेंट पास चाहिए, किसी को बैंक से अपॉइंटमेंट चाहिए, किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, किसी को अपना अनाज मंडी पर ले जाना है, इस तरह की बहुत सारी इसके अंदर सुविधाएं हमने नागरिकों के लिए बना दी हैं। जैसे ही आप अपना सर्विस चुनेंगे, वैसे ही वो उचित ज़िले में उचित अफसर के पास पहुंच जाएगी। ये मोबाइल ऐप जीपीएस लोकेशन ले लेती है और हमारे अफसरों को पता चल जाता है कि आप कहां पर हैं और आपके पास सुविधा हमें एक निश्चित समय में पहुंचानी है। इसके अलावा इस ऐप के अंदर एक और भी सुविधा दी गई है। कई बार ऐसा होता है कि नागरिक अपनी सेवा अपने दूसरे नागरिकों के लिए देना चाहते हैं। ऐसे केस में तीन तरह की सेवाएं कोई नागरिक अगर देना चाहे तो वो अपना ऑप्शन दे सकता है। एक तो वॉलंटियर, कि किसी भी तरह का वो वॉलंटियर काम करना चाहता हो स्टेट के लिए, वो यहाँ पर अपना ऑप्शन दे सकता है। दूसरा, अगर आपने किसी फैमिली के लिए राशन उपलब्ध करवाना है तो उसका भी इसके अंदर प्रावधान है। तीसरा, हरियाणा कोरोना फंड में अगर आपने डोनेशन देनी है तो उसका भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट उचित ज़िले में उचित अफसर के पास पहुंच जाएगी तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट दर्ज हो गई है और वो कंसर्न्ड ऑफिसर जो है कार्य पर लग जाएगा। थोड़ी देर में आपके पास ये सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये ऐप बनाने में एक सोच थी हमारे मुख्यमंत्री जी की और हरियाणा सरकार के तरफ से, जो इस कोरोना के समय में अलग अलग तरीके से सरकार आपके साथ आपके तत्पर खड़ी है, उसको सब एक छत पे ले आए ताकि सारी सुविधा हम एक छत के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएं। इस ऐप को बनाने में एक हरियाणा का नागरिक जो सामने आया और कहा कि मैं इस ऐप को बनाने में सरकार की सहायता कर सकता हूं, और दो हरियाणा के युवा होनहार अधिकारी, एक HCS ऑफिसर जो अंडर ट्रेनिंग है और एक IAS ऑफिसर ने मिलके इस ऐप की संरचना करी है। इस ऐप में अगर किसी को राशन की जरूरत है, कुक्ड फूड की जरूरत है, पका हुआ भोजन, वो अपनी चॉइस कर सकता है। सिस्टम अपने आप चेक करता है और चेक के माध्यम से जिसको राशन की जरूरत है और राशन उसको अन्य जगह से मिल नहीं पा रही है, उसको राशन की सुविधा, एक डिस्ट्रेस टोकन मिलेगी जिसके तहत वो राशन की दुकान में जाके मुफ्त में अनाज ले सकता है। इसी तरह अगर डॉक्टर की भी जरूरत है तो इस ऐप के माध्यम से टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रयोग की जाती है। किसी को एम्बुलेंस या किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है तो यह एम्बुलेंस की भी बुलाने की सुविधा इसी ऐप में प्रदान की गई है। अनेक इसी तरीके से जो कोरोना में लॉकडाउन के माध्यम से बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे हैं या पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं तो लर्निंग रिसोर्सेस जो है वो सारे इकट्ठे एक ही छत पे दे दिए हैं। आप लर्निंग रिसोर्सेस के तरफ चले जाएंगे तो वहां पर आपको हायर एजुकेशन के सारे कोर्सेस मिलेंगे। उस जो कोर्स आप लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, वो आप वहीं से लेके तैयारी अपनी करा सकते हैं। किसी ने अगर वित्तीय सहायता के लिए एप्लीकेशन दर्ज कराई है तो वो अपना स्टेटस इसी पे देख सकता है कि क्या उसके पैसे उसके अकाउंट में आ गए नहीं आए हैं। बैंक जाने की जरूरत हो तो बैंक के माध्यम से भी किया जा सकता है। बैंक जाने के लिए कोई टाइम भी निश्चित किया जा सकता है। बैंक अपने आप वो टाइम निश्चित करके आपको समय सूचित कर देता है और आप उस समय पे बैंक जाके अपने काम पूर्ण कर सकते हो। अगर कोई ये चाहता है कि घर में आके कैश होम डिलीवरी करें,
आपके बैंक अकाउंट से, तो इसकी भी सुविधा प्रदान की गई है जहां पोस्टल बैंक के माध्यम से बिना किसी खर्चे से आपके अकाउंट से पोस्टमैन डाकिया आके पैसा आपके घर दे आएगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि लोग इसको आजमा के भी देखेंगे ताकि उनको ये सुविधा लेने में आसानी पड़े कि होम डिलीवरी सामान की नहीं कैश की भी हो सकती है। ये एक जनमानस जो हम इसमें लाना चाहते हैं वो ये है कि जो सुविधा लेना है, जिसको मदद की जरूरत है, वो इस ऐप के माध्यम से आए, जो दूसरों की मदद कर सकता है वो भी इस मैप के माध्यम से अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है, अगर अपना वॉलंटियर के तरह काम करने का या पैसे डोनेट करने का या किसी परिवार को मदद करने के लिए। ये मुख्यमंत्री जी का एक और हरियाणा सरकार का एक प्रतीक है, ये मानस है कि हम हर नागरिक की, हर आदमी की दर पे हम ऐसी सुविधा प्रदान करें जो वो चाहता है। और मुझे उम्मीद है कि इस छत्र छाया में नागरिकों की जो जरूरत होगी हम प्रदान कर पाएंगे। तो देखा आपने कि इस ऐप के माध्यम से हर प्रकार की सहायता के लिए एक प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है, चाहे छात्र हो, शिक्षा संबंधी जानकारी चाहिए, चाहे कोई असहाय हो, गरीब हो, उसको राशन संबंधी कोई सहायता चाहिए, किसान हो, प्रोक्योरमेंट के नाते से उसको आवश्यकता है, कोई भी घरेलू आवश्यकता, बैंक की आवश्यकता, कितनी ही आवश्यकताएं एक ही ऐप के नीचे आपको मिल रही हैं। इसलिए आज इसका लॉन्च किया जा रहा है, कल प्रातःकाल से इस ऐप का हम लोग उपयोग कर सकेंगे। अब मैं कुछ जानकारियां आपको और इस संदर्भ में इस समय की देना चाहता हूं। कोरोना के संबंध में जैसे हमको पता है कि हरियाणा अन्य प्रांतों की तुलना में काफ़ी ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम इसको रोक पाने में सफल हो रहे हैं। वर्तमान में 12 जिले ऐसे हो गए हैं, आज एक भी पॉजिटिव केस उन जिलों में नहीं है, अर्थात वो ग्रीन जोन में आ गए हैं। इसी प्रकार पिछले 18 दिन से, यानी एक प्रकार का जो डबलिंग रेट है देश भर में, तो 7 दिन डबलिंग रेट है, हर 7 दिन बाद पॉजिटिव केसों के केसेस की संख्या डबल हो जाती है। हरियाणा में 18 दिन के बाद ये डबल हो रहे हैं केस, अर्थात हमारी आगे कोरोना के जो पीड़ित केसेस की संख्या बढ़ने में हमें बहुत सुविधा हो रही है कि हम नहीं बढ़ पा रहे हैं और हमारा जो ग्राफ है वो एक जिसको कहना चाहिए हॉरिजॉन्टल आ गया है। हमारा रिकवरी रेट, जो भी लोग पॉजिटिव आए उनका रिकवरी रेट भी आज 68% हो गया है, जो केवल एक प्रदेश केरल से हम पीछे हैं, अन्यथा दूसरा नंबर हरियाणा का है कि आज हम 68% रिकवरी के ऊपर आ गए हैं। इसी प्रकार एक वर्ग ऐसा है जिसको सब सुविधाएं देने के बावजूद भी हम उनको सहायता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज ही हमने विचार किया है कि जो हरे रंग के कार्ड जिन लोगों के पास हैं, अर्थात एपीएल, ऐसे बहुत से लोग हैं एपीएल कार्ड होने के बावजूद भी वो डिस्ट्रेस श्रेणी में देखे गए, उनको भी खाद्यान्न की आवश्यकता थी। जो लोग वास्तव में गरीब थे, किन्हीं कारणों से उनका बीपीएल कार्ड नहीं बन पाया था, ऐसे लोगों को शायद अभी तक सहायता सुविधा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हमने विचार किया कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है कम से कम 3 महीने के लिए, 30 जून तक उनको राशन की दुकान पर मुफ्त राशन देने की बात जो भी एक सूची के आधार पर नीचे से रिकमेंड होकर के आई है, ऐसी 1,40,000 लोगों को सीधा राशन देने का भी आज हमने ये पोर्टल खोल दिया है और कल से उनको डिस्ट्रेस्ड कूपन ये जारी होने शुरू हो जाएंगे। जहां तक ग्रीन एरिया जो 12 जिले मैंने बताए हैं, उनमें औद्योगिक संस्थान और वाणिज्यिक संस्थान इनके खुलने की बात है, अथवा ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें खुलने की बात है, मोहल्लों में दुकानें खुलने की बात है, कल से उन लोगों को दुकानें खुलने की सुविधा ये हो जाएगी ताकि जो लोग अप्लाई करेंगे उनको तुरंत उसी समय उसका ऑनलाइन परमिशन देने का प्रावधान हमने किया है, ताकि ऐसे स्थानों पर भी वाणिज्यिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान और मोहल्लों की दुकानें ये सब खुलने के लिए रास्ता साफ हो गया है। ऐसे ही जैसा हमने बताया कि सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं, ये भी ठीक है, संकट बड़ा है, चुनौती बड़ी है,
लेकिन कभी कभी कहा जाता है चुनौती जो भी चैलेंज होता है कभी कभी अवसर भी लेके आता है, अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है। तो हम लोगों ने उसका लाभ उठाते हुए एक बड़ा कार्यक्रम और भी चलाया है कि प्रशासनिक दृष्टि से भी सामाजिक दृष्टि से भी जो वॉलंटियर्स यानी सेवा भाव रखने वाले लोग, इन सबको मिला करके हमने नीचे अंतिम कड़ी तक एक सिस्टम बनाया है लोकल कमेटीज का। और वो लोकल कमेटीज पूरे प्रदेश में ये लगभग 20,000 की संख्या ये बनाई जा रही है, और जहां हमने ऐप के माध्यम से सब जानकारियां आपसे लेने की कोशिश की है, वहीं हमारी जो स्थानीय ये जो कमेटीज हैं लोकल कमेटीज, वहां 5 से लेकर 11 तक लोग होंगे, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी होंगे, सामाजिक संस्थाओं के लोग भी होंगे, उसमें वॉलंटियर्स भी होंगे, उसमें सोशल वर्कर्स भी होंगे, राजनीतिक संस्थाओं के लोग भी होंगे, धार्मिक संस्थाओं के लोग भी अपने आप को शामिल करा सकते हैं। ये सब शामिल कराने के लिए वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना नाम जुड़ा सकते हैं, ताकि हम अपनी लोकल कमेटी में जाकर लोगों की सेवा कर सकें। वास्तव में जो गरीब है उसकी सहायता करना ये हमारा काम है। हाँ, यदि आप भी किसी की सहायता करना चाहते हैं अथवा सरकार के माध्यम से कोरोना रिलीफ फंड में भी आप योगदान करना चाहते हैं, वो भी आप इस ऐप के माध्यम से अथवा लोकल कमेटी के माध्यम से जानकारियां दे सकते हैं। आज एक ऐसा अवसर आया है जब हम आजादी के बाद एक ऐसे समय पर आकर खड़े हुए हैं कि समाज के सोचने की धारा, इसको हम बदलने जा रहे हैं, समाज खुद बदलने जा रहा है, सामाजिक संस्थाएं इसमें जोरों से लगी हैं। तो आज सोच का प्रकार बदलेगा कि अब इस संकट में पूरे परिवार की सहायता हम सब लोग करेंगे, हम एक परिवार हैं और परिवार के नाते मानवता की सेवा करना हमारा धर्म है, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना से जल्दी हमको छुटकारा मिलेगा, कोरोना हारेगा, और निश्चित रूप से हरियाणा से कोरोना हारेगा, भारत से भागेगा, यही बात मैं हमेशा कहता रहा हूं। आज इस अवसर पर पुनः मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग एकजुट होकर के इस काम में कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा।